Good morning students. Welcome to the online classes of Underline Public School class second. Yesterday we have started a new lesson in English grammar. Lesson number 3. The name of the lesson was Singular and Plural. Okay, we have uh, completed till page number 20. So let's start from page number 21. Change in spellings. Okay, students. हमने कल देखा था कि सिंगुलर को प्लूरल में जब हम चेंज करते हैं तो कुछ हम वर्ड्स एड ऑन करते हैं कुछ सॉरी अल्फ़ाबेट्स हम ऐड ऑन करते हैं जिससे कि हमारा जो वर्ड है वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाए जैसे प्लूरल विद एडिंग एस लाइक पेन पेन वॉल्स ओके और फिर हमने देखे थे प्लूरल्स विद एडिंग ई एस कुछ वर्ड हम ई एस लगा देते जैसे एस 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 पॉक्स ओके एंड प्लूरल विद आई ई एस इसमें वाई जो होता है वाई अल्फ़ाबेट को हम हटा के आई ई -E एस को ऑन करते हैं फ्लाई फ्लाईज सिटी सिटीज एंड सम प्लूरल वर्ड्स बिकेम विद एडिंग वी ई एस एफ और एफ की जगह हम वी ई एस को ऑन करते हैं काफ काव्स वाइफ वाइफ्स डी वाइफ, फीव्स एक्सेट्रा ओके टुडे लेट्स सी हाउ वी कैन चेंज सिंगुलर एंड प्लूरल बाय चेंज इन स्पेलिंग लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है जब हम इसी वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं जैसे कि फुट फुट मींस एक पैर तो दोनों पैरों को हम फीट मैन मींस एक आदमी जब एक से ज्यादा आदमी होते ज्यादा मैन होंगे तो मैन एम ई एन माउस वन माउस एक चूहा माइस बहुत से चूहे ऑक्स ऑक्सन टूथ टीथ टूथ मीन एक दांत जब हम एक दांत के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं टूथ लेकिन जब एक से ज्यादा दांत होंगे तो टीथ गूज गीज वुमन वुमन ओके एम ई एन स्पेलिंग चेंज हो जाएगी चाइल्ड चिल्ड्रन पुलिसमैन, पुलिसमैन, ओके, पुलिसमैन एक पुलिस वाला है ना पुलिसमैन, -E मैन, बहुत से पुलिस वाले ओके, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर भी सेम होता है और प्लूरल भी सेम होता है कौन से फिश फिश शीप शीप ओके the following naming words are always used in plural form. कुछ ऐसे words होते हैं जिनको हम plural form में ही use करते हैं Like glasses. हम कभी glass नहीं बोलेंगे glasses. चश्मे को हम glasses. Scissors. Scissor नहीं होता है कोई word ही नहीं होता है scissor. Scissors. Trousers. Jeans. Shorts. Pajamas. Okay. These are plural words and

Knife, knives, bench, benches, woman, women, monkey, monkeys. Okay. Now give singular form of the following. अब हमको जो वर्ड दे रखे प्लूरल में दे रखे अब हमको उनका सिंगुलर फॉर्म बताना है मैन मतलब बहुत से आदमी तो ये प्लूरल है सिंगुलर क्या होगा मैन कीज की तो एक क्या को हम क्या बोलेंगे की टीथ मतलब बहुत से दांत एक दांत को बोलेंगे टुत्ज बेबी स्टोरी मतलब बहुत से चोर और अगर एक चोर है तो थीफ टी एच आई एफ ब्रांचेस ब्रांच ब्रांचेस मतलब शाखाएं पेड़ की जो शाखाएं है, होती हैं टहनियां होती ब्रांचेस बहुत सी ब्रांचेस होगी एक से ज्यादा होगी तो ब्रांचेस एक शाखा होगी तो ब्रांच मैंगी राइट इन द्लूरल फॉर्म अब हमको सिंगुलर में दे रखा है उसको हमको plural में कन्वर्ट करना है दिस इज ए दीज आर ऑक्स दिस कब यूज होता है सिंगुलर के साथ और प्लुरल में दीज यूज होगा है ना और इसका हो जाएगा आर दिस इज अ बेबी यह एक बेबी है बच्चा है और ये बहुत से होंगे तो दीज आर बेबीज दिस इज अगो दीज आर मैंगोज दिस इज अमन दीज आर वुमन नेक्स्ट दैट वॉज अ पेंसिल वह एक पेंसिल है ठीक है तो अब इसको प्लूरल में चेंज करेंगे दैट का चेंज क्या हो जाएगा प्लूरल में दोज ठीक है जब प्लूरल है तो मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है दैट यूज होता है सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए यूज होगा थीट वॉज थी वैट वॉज अ ब्रश दोज वर ब्रशेस दैट वॉज माउस दोज वर माइस दैट वॉज अ पोटेटो दोज वर Potatoes. Okay, students, got it. So for today, this these much exercises is sufficient for you. Tomorrow we will do some more exercise. So do it in your notebooks. Thank you.